नमस्कार दोस्तों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस थर्ड वीडियो में मैं जे एडवांस लेवल के न्यूटन्स के थ्री लॉज पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने लामीज थ्योरम पे डिस्कस किए थे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप जानते हो, फर्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते हो बेटा कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन प्रेजेंट इनर्शिया अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, मतलब जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी अपनी प्रेजेंट इनर्शिया को मेंटेन करना चाहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, वन डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। लॉ ऑफ फोर्स है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, मोमेंटम मास इंटू वेलॉसिटी, डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलॉसिटी। थर्ड लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया। इसके बाद इंपल्स एक टर्म आता है। इंपल्स आप जानते हो बेटा, इट इज द वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। अगर किसी बॉडी पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाया जाए तो उस फोर्स को इंपल्स कहते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल को हम बैट से हिट कर देते हैं या फुटबॉल को किक मार देते हैं तो वो इंपल्स हम जो है इंपार्ट करते हैं बॉल पे। अब आप इंपल्स का फॉर्मूला देखिए, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वी फाइनल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट 5 मीटर एंड रिबाउंड्स टू हाइट 1.25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड पर बॉल 5 मीटर से फॉल हिट कर रही है और रिबाउंड हो रही है 1.25 मीटर तक। द एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड फॉर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट 0.1 सेकेंड। ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट कर रही है 0.1 सेकेंड तक कॉन्टेक्ट में है, तो ये जो ग्राउंड है वो बॉल पे कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट करेगी। ये फोर ऑप्शंस आर गिवन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राउंड है, बॉल 5 मीटर से फॉल कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहां से ड्रॉप की गई। तो अब इस केस में किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगी, अंडर रूट 2gh, h जो है वो 5 मीटर है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हम देखें तो मास इनटू v जिस वेलोसिटी से हिट कर रहा है, यानी कि मास इनटू अंडर रूट 2gh, h जो है वो 5 मीटर है, मास दिया है 0.05, अंडर रूट 2 इनटू 10 इनटू 5, सॉल्व किया तो 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। इस केस में चूंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो -0.5j कैप, ये हम pi वेक्टर लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड, मतलब ये बॉल यहां से टकराई, टकराने के बाद ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है और 1.25 मीटर पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में फाइनल मोमेंटम जो होगा m into u हो जाएगा, यानी m, अच्छा ये इसके लिए आप देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी जो है v dash 0 है तो हम 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g 1.25, अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है तो ये लिख सकते हैं। यहां से u की वैल्यू अंडर रूट 2g इनटू 1.25 आ गया, तो u की ये वाली वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 इनटू g 1.25, इससे फाइनल मोमेंटम आ गया, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया तो 0.25 ये जो है फाइनल मोमेंटम आ गया जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब चूंकि ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव y डायरेक्शन है तो इसको प्लस j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो डेल्टा पी हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई,
यानी 0.25 जे कैप माइनस माइनस 0.5 जे कैप, तो यह आ गया 0.75 जे कैप। अब एवरेज फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, तो 0.75 अपॉन टाइम इंटरवल, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट 0.1 जे कैप, 7.5 जे कैप न्यूटन, इतना फोर्स जो है ग्राउंड बॉल पे लगाएगी और इस फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो 7.5 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.5 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ए 3 kg स्टील बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ वॉल, द बॉल बाउंसेस ऑफ विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल फॉर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट 0.2 सेकेंड इज 50 न्यूटन। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 150 रूट 3, 50 रूट 3, 100 न्यूटन। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये वॉल है, ये दीवाल है और ये जो बॉल हिट कर रही है 60 डिग्री पर, बॉल ये इसको हिट कर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये एंगल 60 है तो इसके कंपोनेंट्स, अगर हम ये 10 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रही है और 10 मीटर पर सेकेंड से ही रिबाउंड कर रही है, एंगल सेम है, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड भी सेम है, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर दें तो इस डायरेक्शन में 10 cos 60 होगा और इस डायरेक्शन में 10 sin 60 होगा। अब इसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो रही है इसी एंगल पे, तो इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 10 cos 60 है और इस डायरेक्शन में 10 sin 60 है। अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस के अलोंग चेंज इन वेलोसिटी होगा 10 cos 60 माइनस 10 cos 60, चेंज इन वेलोसिटी होगा 10 cos 60 माइनस 10 cos 60 यानी 0। अगर x डायरेक्शन में देखें तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी एक्स हो जाएगा 10 sin 60 माइनस 10 sin 60, 10 sin 60 माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, माइनस 10 sin 60, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एड हो जाएगा 20 sin 60 और sin 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो जाएगी x एक्सिस के लॉन्ग। अब इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस निकाले तो m डेल्टा vx हो जाएगा, मास 3 kg है स्टील बॉल का, तो 3 इंटू 10 रूट 3 यानी 30 रूट 3 ये kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और डेल्टा py निकाले तो m डेल्टा y 0 आ जाएगा क्योंकि डेल्टा y की वैल्यू 0 है, तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो अब एवरेज फोर्स निकाले तो डेल्टा px अपॉन डेल्टा t हो जाएगा 30 रूट 3 अपॉन 0.2, सॉल्व करने पर 150 रूट 3 न्यूटन, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देख लीजिए बेटा। थैंक यू बच्चों।